दोस्तों, हम सभी अपने स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ टाइप करते हैं और इसके बिना हमारा कोई काम होता भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम अपने स्मार्टफोन में टाइप करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करते हैं और आज की इस वीडियो में आपको कीबोर्ड से ही रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए और जो आपके कीबोर्ड के यूज़ को एडवांस लेवल तक पहुँचा देंगे और जो आपके कीबोर्ड के यूज़ को और भी आप प्रोफेशनल बता देंगे। और आप किसी के सामने इस तरीके से कीबोर्ड को यूज़ करोगे तो लोग भी आपसे कहेंगे, वाह बेटे वाह, मौज कर दी। तो इसके लिए इस वीडियो को जरूर देखें एंड तक और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कीबोर्ड से रिलेटेड, उसका भी ध्यान से देखें। तो इसके लिए चलिए चलते हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे। दोस्तों, जो हमारी पहली ट्रिक है उसका नाम है बटन ऑप्शन सेटिंग। दोस्तों, आपका जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर एक हिडन सेटिंग होती है, शायद उसके बारे में किसी को पता होगा। दोस्तों, जैसा कि आप कीबोर्ड होता है, आपके स्पेस बार के ठीक साइड में कुछ बटन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये गोला बना हुआ है और यहाँ पे स्माइली है, तो आप इनमें से किसी पर भी क्लिक कर होगे ना तो सेटिंग खुलेगी। जैसे कि मैंने ये जो गोले के बगल में जो था जिस पर इमोजी बना था, मैंने उस पर क्लिक करा तो यहाँ पर आपको तीन सेटिंग मिल जाती है। तो सेटिंग का ऑप्शन है, एक इमोजी का ऑप्शन है और एक यहाँ पे एक वन साइडेड का ऑप्शन है। तो उसमें इमोजी वाला ऑप्शन तो सिंपल है, इससे आपको इमोजीज खुल जाएंगे जैसे कि आपके व्हाट्सएप के अंदर खुलते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा काम का फीचर नहीं है, लेकिन ये जो दो ऑप्शन है, तो वन हैंड और ये सेटिंग, तो ये है। दोस्तों, इनके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो वन हैंड है, जैसे आप इसकी तरफ ले जाओगे तो ये ऑटोमेटिक इसको सिलेक्ट कर लेगा और ये अनेबल हो जाएगा। और दोस्तों, इसकी मदद से आप एक हाथ से टाइपिंग कर सकते हो। अगर आप लेफ्टी हो, यानी कि आप उल्टा इस्तेमाल करते हो हाथ, तब इस तरफ रख सकते हो कीबोर्ड को, अदरवाइज यहाँ पर ये एरो है। अगर आप राइटी हो तो आप इस हाथ का यूज़ करके इस तरफ रख सकते हो और वापस आपको नॉर्मल करना है तो यहाँ से फुल साइज़ हो जाएगा। तो ये थी पहली ट्रिक इसकी। और इसके अंदर दोबारा आप टाइप करके रखोगे तो आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप सेटिंग पर आओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लैंग्वेज और वॉइस टाइपिंग। आप वॉइस टाइपिंग ऑन एवर करना चाहते हो तो वॉइस टाइपिंग, यानी कि आप जो बोलोगे वो चीज़ टाइप हो जाएगी। और यहाँ पे क्लिपबोर्ड और यहाँ पे ग्राइड टाइपिंग, यानी कि ग्राइड टाइपिंग होता है जैसे कि आपका कीबोर्ड है तो इस तरीके से जो लाइनिंग आ रही है ना, इसे ग्राइड टाइपिंग कहते हैं। तो इस तरीके से टाइप हो गया, तो ये एक तरीके की ग्राइड टाइपिंग होती है। और भी इसके अंदर आपको रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग की। जैसे कि मैं आप यहाँ पर लिखता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब जैसे मैं देता हूँ, अब जैसे कि मैंने माय की जगह डबल वाई कर दिया। अब मैं कभी कहा क्या होता है, कर्सर को हम इधर उधर ले जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आप कर्सर को बिना टच करे लेके जा सकते हो। इसके अलावा क्या करना है, जो आपका स्पेस बार है ये आपको इस पर ना ऐसे स्लाइड करना है। जैसे स्लाइड पीछे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ स्लाइड कर दो, आगे तरफ जाता है आगे तरफ स्लाइड कर दो। जैसे उसको स्लाइड करोगे उसी के तरीके से आप कर सकते हो, फिर वापस आपको वापस कर देना है। तो ये एक अच्छी ट्रिक थी, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और दोस्तों, जो नंबर थर्ड ट्रिक है वो है हमारी कैपिटल वर्ड टाइपिंग। कभी क्या क्या होता है, हमें कैपिटल में टाइप करना पड़ता है, सब कुछ कैपिटल। जैसे कि मैं लिखता हूँ नीतीश, तो दोबारा मैं इस पर क्लिक करूँगा इस एरो पे, तब जाके मैं बड़ा करके टाइपिंग करूँगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मैं बार बार कैपिटल कैप्स वाले ऑप्शन पे बार बार टैप करना पड़ता है। लेकिन आप कैप्स को एक बार में इनेबल कर सकते हो, आपको कैप्स को दो बार टैप करना है, आपको कैप्स लॉक इनेबल हो जाएगा। अब आप कुछ भी टाइप करोगे तो कैप्स में टाइप होगा, उसको नॉर्मल करके आप इसको बंद कर दूँगा। मतलब कैप्स लॉक इनेबल करना दो बार टाइप, वापस नॉर्मल करना तो एक बार हो जाएगा ये। तो दोस्तों, मैं नंबर फोर ट्रिक करती है, टाइप इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश टू हिंदी टाइपिंग का मतलब होता है, आप अगर कुछ भी लिखते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों को जैसे ही मैं लिखूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली हिंदी में लिखा आ जाएगा। जैसे कि हिंदी में दोस्तों कैसे लिखते हैं, वैसे लिखा आ जाएगा। ये चीज़ कैसे करते हैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने स्पेस बार पे नॉर्मली टाइप करके रखना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा लैंग्वेज सेटिंग्स। आपको लैंग्वेज सेटिंग पर आना है और लैंग्वेज सेटिंग में ऊपर होगा पेंसिल वाला मार्क, यहाँ पर लिखा होगा ऐड कीबोर्ड। यहाँ पर आपको ऐड कीबोर्ड पर आना है। ऐड कीबोर्ड पर आने के आधार पर इंडिया होगा, आपको इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसीलिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। और जैसे आप डाउनलोड करोगे तो पहले आपके पास ये आ रहा होगा इंग्लिश का। अब आपको यहाँ पे जब मैंने इंग्लिश हिंदी इंडिया वाली पे आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा, जो सेकेंड पे ABC और एरो करके हिंदी, ये वाला ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा जब उसे डाउनलोड कर लोगे। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मेरे पास आ रहा है।
दोस्तों लैंग्वेज ऐड करने के बाद जैसे आप स्पेस बार पर टैप अगर होगे तो आपको वो ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा, जैसे कि सेकंड नंबर पर लिखा रहा है ABC एरो हिंदी, ये वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जैसे कि आप लिखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सजेशन में भी दिख जाएगा, जैसे स्पेस सजेशन में दीजिएगा, आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप इंग्लिश में लिखोगे ना तो ऑटोमेटिकली हिंदी में टाइप हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी सिक्स्थ और लास्ट ट्रिक की ओर। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात करते हैं तो हमें इंग्लिश में मैसेज करता है, चैटिंग पे जब कोई बात करते हैं तो, लेकिन हमें क्या होता है, हमें कई बार इंग्लिश में दिक्कत आती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है और उसका नाम है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका नाम है जी बोर्ड। गूगल की एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है, आपको उसे डाउनलोड करना है, BOR जी बोर्ड। जैसे आप इसे लिखोगे तो ये एप्लीकेशन आपको शो हो जाएगी, ये एप्लीकेशन आपको शो हो जाएगी, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है जब, और इसके लिए आपके फ़ोन के अंदर गूगल ट्रांसलेट का होना भी ज़रूरी है। जैसे आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही आपके कीबोर्ड से ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगी। उसके बाद जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको उस सेंटेंस को कॉपी कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ नीलेश, मैंने इतनी चीज़ें लिख दी। उसके बाद जैसे आप इसको डाउनलोड कर लोगे ना तो यहाँ पर है ना ये एरो शो होगा, जब आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे तो ये एरो शो होगी आपके पास, और यहाँ पर आपको थ्री डॉट्स पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रांसलेट, ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रांसलेट मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको लैंग्वेज डिसाइड कर लेनी जिस हिसाब से आप लेना चाहते हो, मैं इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, जो भी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको ऊपर ही शो हो जाएगा मेरा नाम नीतीश है, मतलब सामने वाले बंदे ने आपसे इंग्लिश में ये बोला है कि मेरा नाम नीतीश है। और आप उससे अगर रिप्लाई देना चाहते हो इंग्लिश के अंदर ही तो आपको उल्टा कर देना है, हिंदी तो इंग्लिश याद से होते तो आप लिख सकते हो अच्छा मेरा नाम वंश है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख के भेज सकते हो। आप इस तरीके से उसको रिप्लाई कर सकते हो इंग्लिश के अंदर, आप हिंदी में टाइप करोगे लेकिन अपने आप ही ट्रांसलेट होगा इंग्लिश में हो जाएगा। तो ये थे कुछ यूजफुल कीबोर्ड से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बड़ी पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।